हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए कंट्रोलर 8257। तो ये जो डीएमए है वो एक्चुअली है क्या, उसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो फुल फॉर्म से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब हम लोग मेमोरी को डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिए हैं इन द कंप्यूटर। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सीपीयू है। सीपीयू जो है वो है प्रोसेसर, जो कि है द क्रूशियल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, और जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसको कि मेमोरी एक्सेस करना है, चाहे वो मेमोरी में डेटा सेंड करना हो या फिर मेमोरी से डेटा रिट्रीव करना हो, उसको एक्सेस करना है। तो वो एक्चुअली एक्सेस कैसे करता है? तो वो नॉर्मली ये जो भी प्रोसेस है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, वो होता है सीपीयू के थ्रू। तो पहले आईओ को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा सीपीयू को, फिर सीपीयू एक्सेस करेगा मेमोरी को। तो यहाँ पे कितना, दो साइकिल यूज हो रहे हैं, राइट। तो ये दो साइकिल क्या क्या है, एक है आईओ टू सीपीयू और दूसरा है आपका सीपीयू टू मेमोरी। तो यहाँ पे टोटली दो साइकिल यूज हो रहे हैं, मतलब टाइम भी ज्यादा यूज हो रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और साइकिल भी ज्यादा है टू एक्सेस द मेमोरी बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे इसको इफिशियंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू मेक इट लेस टाइम कंज्यूमिंग, टू मेक इट लेस टाइम कंज्यूमिंग, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी बाय आईओ, मतलब आईओ टू मेमोरी हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। देखिए पहले क्या था कि अगर हम लोग आईओ से मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे थे तो एक्चुअली में नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, थ्रू सीपीयू होता है, जहां पे कि दो साइकिल आपको यूज पड़ रहे थे, आईओ टू सीपीयू एंड सीपीयू टू मेमोरी। लेकिन उसमें टाइमिंग ज्यादा लग रहा था क्योंकि दो साइकिल हो रहा था। तो अगर उसको टू मेक इट लेस टाइम कंज्यूमिंग, अगर हम लोग उसको लेस टाइम कंज्यूमिंग करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आईओ से मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ डीएमए। तो डीएमए के हेल्प के द्वारा हम लोग इसको लेस टाइम कंज्यूमिंग बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होगा कि डीएमए इज डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा एट द फास्टेस्ट रेट एंड इट अलाउज द डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेमोरी विदाउट सीपीयू इन्वॉल्वमेंट। तो वो होता है डीएमए कंट्रोलर का मेन काम। तो डीएमए का काम क्या है, डीएमए इज डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा एट अ फास्टेस्ट रेट। डीएमए इसीलिए डिजाइन किया गया है कि हम लोग डेटा ट्रांसफर बहुत ही फास्टेस्ट रेट में कर सकते हैं। जैसे सीपीयू के थ्रू यहाँ पे दो साइकिल हुआ, लेकिन आईओ टू मेमोरी डायरेक्टली आपका वन साइकिल में हो सकता है काम। तो काम टाइम अगर कम लगा तो रेट भी फास्ट होगा। और दूसरा चीज ये है कि इट अलाउज द डिवाइस टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेमोरी विदाउट सीपीयूज इन्वॉल्वमेंट। अगर आईओ टू मेमोरी डायरेक्ट होगा तो सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट भी ही नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए आपका डीएमए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाउ डज डीएमए वर्क, ठीक है। तो ये जो आपका मैंने डायग्राम बनाया है, ये है डीएमए का, डीएमए वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। ये जो बिलो आई हैव कंस्ट्रक्टेड डायग्राम, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है नीचे, वो दर्शाता है आपका डीएमए एग्जैक्टली काम कैसा करता है। तो मैं ये डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी पहले। तो फर्स्ट चीज आपका हो क्या रहा है कि डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंड्स अ डेटा टू मेमोरी। तो क्या करेगा, फर्स्ट डिवाइस हैज टू सेंड, मतलब पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आईओ डिवाइस वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू मेमोरी, ठीक है। तो पहले आईओ डिवाइस क्या कर रहा है, उसको एक डेटा भेजना है मेमोरी में। तो उसके लिए आईओ डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, आईओ डिवाइस हैज टू सेंड अ डीएमए रिक्वेस्ट। ये जो है आपका यहाँ पे डीएमए रिक्वेस्ट, दिस इज रिक्वेस्ट, ये डीएमए रिक्वेस्ट है टू डीएमए कंट्रोलर, ठीक है।
तो पहले क्या हो रहा है, मान लीजिए आपका आईओ से मेमोरी में एक डेटा सेंड करना चाह रहा है, आईओ डिवाइस या फिर पेरिफेरल डिवाइस, तो उसके लिए फर्स्ट उसको क्या करना पड़ेगा, एक डीएमए रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा टू द डीएमए कंट्रोल। उसके बाद क्या है, डीएमए कंट्रोलर सेंड्स अ एचएल क्यू दैट इज होल्ड रिक्वेस्ट, ये है आपका होल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, टू सीपीयू। उसके बाद सीपीयू रेस्पॉन्ड करेगा बाय सेंडिंग अ एचएलडीए जो कि है आपका होल्ड एक्नोलेजमेंट, ठीक है। तो पहले तो मैंने दो स्टेप लिखा, आईओ सेंड करना चाह रहा है डेटा, तो उसके बाद उसको सेंड करना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि डीएमए कंट्रोलर सेंड्स एचएल क्यू दैट इज द होल्ड रिक्वेस्ट टू सीपीयू, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं डीएमए कंट्रोलर एक होल्ड रिक्वेस्ट भेज रहा है सीपीयू को। तो सीपीयू को जब होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा, इसका मतलब ये है कि डीएमए कंट्रोलर अभी एक स्लेव है और सीपीयू मास्टर है, जिसके द्वारा कि सारा काम होता है इनसाइड द कंप्यूटर। तो उसके बाद सीपीयू रेस्पॉन्ड करना चाहिए टू द डीएमए कंट्रोलर। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया डीएमए कंट्रोलर टू सीपीयू, तो अभी क्या होगा, डीएमए कंट्रोलर वेट्स अंटिल सीपीयू सेंड्स एचएलडीए दैट इज होल्ड एक्नोलेजमेंट टू डीएमए। तो जब आपका एचएल क्यू जैसे कि होल्ड रिक्वेस्ट है वो आ गया डीएमए से सीपीयू में, उसके बाद डीएमए को वेट करना पड़ेगा टू रिसीव अ होल्ड एक्नोलेजमेंट फ्रॉम सीपीयू। उसके बाद क्या होगा, जब सीपीयू बिकम्स स्लेव, इनिशियली सीपीयू ही मास्टर होता है बाकी सब स्लेव होता है, लेकिन जब आपका सीपीयू होल्ड एक्नोलेजमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा डीएमए कंट्रोलर में, तो सीपीयू हो क्या हो जाएगा, स्लेव हो जाएगा एंड डीएमए कंट्रोलर हो जाएगा आपका मास्टर, बिकम्स मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सीपीयू हो गया स्लेव एंड डीएमए कंट्रोलर हो गया मास्टर। तो उसके बाद क्या करना है कि सीपीयू लीव्स द कंट्रोल ओवर बस। अगर सीपीयू स्लेव है और डीएमए कंट्रोलर मास्टर है, तो सीपीयू का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा ओवर द बस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे कि सीपीयू लीव्स कंट्रोल ओवर सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या है आपका, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, वो सारा उसका मतलब उसने कंट्रोल छोड़ दिया है डीएमए के ऊपर। तो नाउ सीपीयू इज इन होल्ड स्टेट, सीपीयू इज इन होल्ड स्टेट एंड डीएमए कंट्रोलर हैज टू मैनेज ऑपरेशंस ओवर सिस्टम बस विदाउट सॉरी सिस्टम बस बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, ठीक है। तो अभी अगर आपका सीपीयू स्लेव है तो उसने कंट्रोल छोड़ दिया सिस्टम बस के ऊपर, तो डीएमए के पास पूरा सारा कंट्रोल है सिस्टम बस का। तो अभी डीएमए को मैनेज करना होगा सिस्टम बस में जो भी ऑपरेशंस होंगे बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। तो उसके बाद आपका क्या हो गया, तो ये होल्ड आ गया, इसको सारा मैनेज करना है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, जब यहाँ पे कंट्रोल आ गया डीएमए के ऊपर, डीएमए विल अलाउ द आईओ डिवाइस टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द मेमोरी। तो अभी अगर इसके पास सारा कंट्रोल है तो डायरेक्टली आईओ डिवाइस मेमोरी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटेड डीएमए कंट्रोलर। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन डायरेक्टली कैन हैपन बिटवीन अ आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी विद द हेल्प ऑफ अ डीएमए कंट्रोलर।